नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ICDS के रिगार्डिंग आपको हर रोज़ कोई ना कोई नया नया लेटर जारी होते रहता है। तो आज के इस लेटर में आपको बताऊँगा कि ICDS ने लेटर जारी करके क्या कहा है कि आपको अगले आदेश तक ये काम नहीं करना है। तो कौन सा काम है आपको इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से वो लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 19/6/2021 को ये लेटर जारी हुआ है और ये संचिका संख्या 3010 है और प्रेषक अनुसरण पदाधिकारी ICDS निदेशालय और सेवा में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर का विषय आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया 2014 के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में। तो सामाजिक अंकेक्षण जो 2014 में प्रक्रिया लागू हुई थी उसी के संबंध में यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है। विभागीय पत्रांक 2960 दिनांक 25/5/2014 को भी ये एक और लेटर जारी किया गया था, और उस लेटर को भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि उस लेटर में क्या क्या दिया गया था जो कि आज का ये लेटर जारी किया गया है, उसी के ऊपर आज का ये लेटर जारी किया गया है। चलिए पहले हम लोग दिनांक 22/5/2014 का लेटर देख लेते हैं कि उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2014 का ये लेटर है और यहाँ पे संचिका संख्या 2960 जो कि मैंने पीछे बताया, और उसी लेटर के रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो बातें बताई जाएंगी आपको ध्यान से देखना है। क्या दिया गया है, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया 2014 के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कराने के संबंध में। तो जो बात उस लेटर में कही गई है वो भी बात यहाँ पे कही गई है। तो चलिए इसको पहले पूरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महाशय कृपया प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाए, यानी कि पहले जो पत्र किया निर्देश दिए गए हैं उसका स्मरण किया जाए। उक्त पत्रों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR वितरण दिवस पर सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों की सामाजिक अंकेक्षण संबंधी प्रक्रिया 2011 निर्गत की गई थी, जिस पर कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए उक्त प्रक्रिया को सरलीकृत एवं संशोधन करते हुए एक नई सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार की गई है। इस प्रक्रिया के द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है यानी कि नया सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को तैयार करके यहाँ पे समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है। इस पत्र के साथ नई सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया 2014 की छाय प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध पूर्वक सूचित करना है कि राजेंद्र केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य वर्ष में 2 बार 20 जून और 20 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आज है 20 जून, वर्ष में 2 बार ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया होती है, 20 जून और 20 दिसंबर को। तो संलग्न प्रक्रिया 2014 के अनुसार अगले माह जून की 20वीं तारीख को सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का कार्य कराया जाना है। यानी कि 2014 में भी इस प्रक्रिया को कराने के लिए निर्देश दिए गए थे, और जो आज का निर्देश है वो बोला गया है कि 20 जून को इस कार्य को स्थगित कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ तक तो समझ गए हैं कि 2014 तक 14 में जो लेटर जारी हुआ था उसी के रिकॉर्डिंग आप लोग को आज के लिए लेटर जारी किया गया है। तो चलिए उस लेटर को अब हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो ये कल का लेटर है जो कि उस लेटर में देखिए क्या क्या बातें बताई गई है। तो देख पा रहे होंगे उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया 2014 के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 20/6/2021 को सामाजिक अंकेक्षण किया जाना था। दिनांक
15/6/2021 को आपदा प्रबंधन समूह CMG की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में अगले आदेश तक मार्च जून 2021 में निर्धारित सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया स्थगित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब है कोरोना का संक्रमण, राज्य में जो कोरोना का संक्रमण है उसको देखते हुए यहाँ पे आपदा प्रबंधन समूह ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आपको 20/6/2021 को सामाजिक अंकेक्षण किया जाना था, उसको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। तो आप लोगों को सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया आज नहीं करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो दोनों लेटर दिखा दिया है, दोनों लेटर से आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा कि क्यों सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाना है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।